इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक सिंपल सा रिक्वेस्ट है कि आप भी एक रियल टाइम एडिटर बनना चाहते हैं, बच्चों के साथ आपके न्यूज सर्किल में आप हर बात पर चर्चा करना चाहते हैं, तो एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है RSR जस्ट भारत। इसके लिए आपको अब तक आप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ आप निराश तो नहीं होंगे। बच्चों के साथ यहाँ पे पॉलिटिकल क्विज स्टोरीज का एजेंडा चलेगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो एक लाइक कीजिए। आपको मेरी बातें अच्छे लगे तो जय श्री राम लिखिए। धन्यवाद। इलेक्शन कैंपेन करो बोले तो सो चंद्रायन गुट्टा का MLA चोका अकबरुद्दीन ओवैसी ने फिर से गाली गलौज कर दी, पुलिस को धमकी दी, तो कल उन पर FIR हुआ। क्यों काम? क्योंकि उन्होंने इस बीच में कहा कोई माइकल लाल पैदा नहीं हुआ। माइकल लाल क्यों नहीं पैदा हुआ? आप भूल गए आपका लाइफ का टर्निंग पॉइंट 2011 MBTS पॉलिटिकल राइवलरी मोहम्मद पहलवान, वो अब भी जेल में है। 11 days यशोदा हॉस्पिटल, ये तो भूल नहीं सकते। 11 days यशोदा हॉस्पिटल में थे तब ओवैसी जी टेंशन में आकर बोले आवाम से दुआ करो प्रार्थना करो। यशोदा हॉस्पिटल में तो प्रार्थना होती, दुआ नहीं होती, तो मैंने भी प्रार्थना करी आपके लिए। तो घर में पूछा कि पागल हो गए क्या, राजा कर के लिए क्यों प्रार्थना कर रही? तो मैंने बोला अब भी सिटी बढ़ गई मगर ओल्ड सिटी में अब भी वो लोग कीचड़ में रहते हैं, उनको इलेक्ट्रिसिटी बिल वाटर बिल भरना भी नहीं आता। वो लोग अब तक CM को नहीं देखे, CM चेहरा को नहीं देखे, प्राइम मिनिस्टर मोदी को पहचान नहीं सकते, दूर से मेट्रो रेल देखते हैं। मज़े की बात है तो ये इनको अगर हम प्लेन में चढ़ने को बोले तो वो ऊपर से चढ़ जाते। इतनी तालिबान की मासूमियत है, तो उनके बीच हमारे बीच संवाद होना है तो अकबरुद्दीन जैसा पढ़े लिखे होना है ना। तो ऐसा 11 days आप यशोदा में है तो आप तो सनातनी बन गए। 11 days यशोदा हॉस्पिटल इज बिग इशू, क्योंकि यशोदा हॉस्पिटल शुक्र करो यशोदा हॉस्पिटल के नीचे टनल नहीं है, अलशिफा हॉस्पिटल के नीचे टनल है, आप सेफली बाहर आए तो आप तो यशोदा अकबर बनते, क्योंकि आपने हलाला मेडिसिन नहीं ली, आपने कुर्बानी नहीं दी। क्योंकि अभी कुछ वीडियो वायरल हुआ कि मुसलमान इसलिए पैदा होते हैं क्योंकि कुर्बानी दी। जब हम लोग ने दुआ की आपके पुनर्जीवन पर तो आपने पुनर्जीवित एक्सेप्ट की, तो आप सनातनी बन गए। क्यों सनातनी बने ऐसा भी आपको डाउट है तो मेरा एक और वीडियो है स्टालिन के लिए बनाया, क्यों हर पैदाइश सनातनी होते हैं। तो आप भी पूछेंगे उस्मानिया जाने वाला क्या सभी मुसलमान बनेंगे? आप लॉजिक बोल रहे हैं, सनातनी में हलाला सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं। मैं आपसे डिसाइड नहीं कर रही, आवाम से पूछना चाहती हैं कट्टर मुसलमान है या यशोदा अकबर बन गए, आप ही डिसाइड। क्योंकि लाइफ इज़ फुल ऑफ मिस्ट्रीज एंड मिराकल, जब अल्लाह ने कुछ मौका दिया तो आप उस्मानिया नहीं गए, नीलोफर नहीं गए, डायरेक्ट यशोदा हॉस्पिटल बन, तो डेस्टिनी कुछ और डिसाइड कर रही है, आप कुछ और कर रहे हैं। तो ये पहचानिए, तो ये आवाम को डिसाइड करना है कि मैनिफेस्टो नहीं दिखाए, हलाला फिर से इस्लाम कबूल नहीं किए। अरे कितनी बार कबूल करेंगे, कुर्बानियाँ देने पर नहीं दे पाए, चलो छोड़ दो, वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम एक्सेप्ट करेंगे। आ जाइए सनातनी बन के रह जाइए यशोदा अकबर, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे? अरे क्यों नहीं एक्सेप्ट करेंगे, कोई तो बताए। क्योंकि अगर कभी कोई ने चादर चढ़ दिया बीच रोड में वो मज़ार बन जाती है, कर्चिफ चढ़ा तो वो वकाफ लैंड बन जाती, तो 11 days इज नॉट ए ईजी इशू। शुक्र करो आप यशोदा हॉस्पिटल के नीचे में कोई टेररिस्टों का टनल नहीं, आप सेफली बाहर आए। तो आप तो ये मैं आवाम से पूछना चाहती हूँ, ये कट्टर हिंदू बन गए तो आप पहचानिए, क्योंकि आप एक लॉजिक भूल जा रहे हैं कि वसदुद्दीन ओवैसी जी पालेस्तीना जिंदाबाद, पालेस्तीना जिंदाबाद इसीलिए कह रहे हैं कि आपको कुछ लॉजिक समझ में आए। असदुद्दीन जी तो वहीं से रह गए, ये तो अब यशोदा अकबर बन गए, तो ये लोग कोएग्जिस्ट करेंगे, ये जोश पालेस्तीनी कतर लड़ेंगे आने वाले दिन में देंगे, क्योंकि वो एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन है ना, कुछ सोल्यूशन मिलेगा। राइट विंग जर्नलिस्ट पालेस्तीना का सोल्यूशन ऐसा भी निकाल सकते हैं, तो ब्रेकिंग न्यूज़ डालिए कि पालेस्तीनी का सोल्यूशन मिल गया बोल के।
तो ये आवाम लोग समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग उस्मानिया नहीं गए, नीलोफर नहीं गए, क्योंकि उनको कभी डेवलप ही नहीं किया। क्यों डेवलप नहीं किया बोले तो इनको निज़ाम पर गुस्सा है। क्यों गुस्सा है बोले तो निज़ाम ने पटेल साहब के आगे सरेंडर कर दिया और रज़ाकार कासिम रिजवी को धक्के मार कर निकाल दिया। मौका आने पर पाकिस्तान गया तो जिन्ना भी धक्के मार कर निकाल दिया, वो लेबर की तरह मर गया। तो इस बीच में तुष्टिकरण राजनीति के लिए कांग्रेस पार्टी आकर इनको MLA बना दी। तो कौन जाना कि कब क्या होगा, लाइफ इज फुल ऑफ मिस्ट्रीज एंड मिराकल्स, इसीलिए कहते हैं। तो अकबरुद्दीन भी अब ऐशद अकबर बन गए, तो इसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, ये सनातनी बन गए। तो आवाम डिसाइड करेगी, अगर आपको वोट देंगी तो वो भी सनातनी बनना चाहते हैं, अगर नहीं दे तो वो कट्टर मुसलमान बनने के लिए वो वोट नहीं दिया, ऐसा समझना पड़ेगा, क्योंकि आवाम ही डिसाइड करेगी डेमोक्रेसी में, है ना। तो लास्टली मैं कहना चाहती हूँ, ఎక్కడ పడితే అక్కడ మోడీ గారికి ఇండియన్ పోలీస్కి ఫ్యాన్స్ ఉంటారమ్మా, చూసుకోవాలి మరి. నమస్తే, జై హింద్, జై భారత్.